हमारे देश में ये चुनाव ऐसा हुआ, वरना आपने देखा होगा 30 साल तक लगातार देश में, विशेष रूप से, वैसे ये ड्रामेबाजी तो लंबे समय से चल रही है, एक ऐसा प्रिंटआउट, एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे सेक्युलर एक हो जाओ, सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए। दूसरा, हिंदुस्तान में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो। ये चुनाव ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दल ने आरोप नहीं लगाया। ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाव उठा लीजिए, सब चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे से रंगे गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देने पड़े थे। ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राजनीतिक दल 5 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया, चुनाव का एक मुद्दा नहीं। भारत के लोकतंत्र में ये तीन चीजें कांस्टेंट रही है, इस चुनाव में मिसिंग थी, और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजू से चीजों को तोला जाए।